हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैराडेज़ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसका फर्स्ट लॉ हमने देखा था, उसके एप्लीकेशन देखे थे। फिर हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज़, आपको याद होगा। उस पर मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे कौन से काम के हैं, हमने वो भी डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था उसके एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, और फाइनली हमने डिस्कस किया था इस छोटे से लॉ के क्वेश्चंस कहाँ से, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से। उसमें से आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, आई होप कि आपसे सॉल्व हुआ होगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है जिसका टॉपिक होगा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्चुअली में ये बोर्ड का टॉपिक है। मतलब बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन ना के बराबर वैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली। आपको एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इससे इस पर क्वेश्चंस बोर्ड्स में ना के बराबर पूछे जाते हैं। ये नीट और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जेई वाले, चाहे एडवांस हो, चाहे मेंस हो, चाहे नीट हो, उसमें पूछे जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ या तो आपको मैट्रिक्स में दे देगा, मैट्रिक्स मैच में दे सकता है, या एमसीक्यूज़ में भी दे सकता है। बड़ी आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ने जाए तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है भाई। मतलब प्रेडिक्ट करना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक, एक ऐसी आइडियोलॉजी आपके अंदर मैं डेवलप करने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को देख के ही आप बता देंगे कि उसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा। आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को मैं दो पार्ट में बांटने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये सिर्फ बोर्ड्स लेवल और जेई मेंस और नीट लेवल तक रहेगा। मतलब आज के डिस्कशन में सिर्फ जेई मेंस और नीट और बोर्ड्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस जितने लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब जितने आइडियाज़ की आपको ज़रूरत है, जितने बातों की ज़रूरत है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और अगला हम लेक्चर बनाएंगे आज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बाद कल से हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। तो क्वेश्चंस करने के बाद हर बार की तरह मैं जैसे हर चैप्टर का एक अलग से एक्सक्लूसिव जेई एडवांस लेवल का टॉपिक का लेक्चर बनाता हूँ। उसमें हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एडवांस बातें करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमें डिस्कस करना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, और फाइनली जो रिएक्शन मिक्सचर है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें क्या बच जाता है इलेक्ट्रोलाइट की जगह। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल बात करें तो NaCl और वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो उसमें हाइड्रोजन गैस एट कैथोड निकलता है और क्लोरीन गैस एट एनोड निकलता है, और सॉल्यूशन में हमारे पास बच जाता है NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डिटरमाइंड इफ़ वी रिमेंबर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एवरी आयन। अगर हमें, आपको याद होगा कि NCERT में एक टेबल बना हुआ था जिसमें हर आयंस और स्पेसिस के बगल में लिखा था उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा था, सबसे टॉप में था। उसी टेबल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमें हर आयंस की उस वो टेबल के डेटा याद हो, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें सबका याद हो, तो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि डैट इज मोर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज़ द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि टेबल में, आपका जो ये टेबल है पेज नंबर 69 में, हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है सबसे टॉप में है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है 2.87। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है रिड्यूस हो जाने का, दूसरे को रिड्यूस करने का नहीं भाई। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस कर लेने का, खुद को रिड्यूस कर लेने का, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देने का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब जब हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लोरीन को ले रहे हैं, अगर फ्लोरीन को ले रहे हैं, तो वो उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी F2 से F- बनने में, यानी कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी वो रिड्यूस हो जाएगा, और हम जानते हैं रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। इसलिए यह फ्लोरीन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि इसके टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है रिड्यूस होने की। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज़ द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो अगर हमें पूरे टेबल के डेटा याद हो, सबके रिडक्शन पोटेंशियल याद हो, तो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसा ट्रिक हुआ, ये तो मतलब बहुत ही घटिया से बात आपने बोल दी, अब पूरा डेटा हम कैसे याद रख सकते हैं। तो भाई ट्रिक तो ये था ही नहीं, ये तो मैं आपको जनरलाइज करके बता रहा था कि अगर हमें एज अ नॉर्मल स्टूडेंट अगर किसी से पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे निकाल सकते हैं। बात आती है ट्रिक की। अब
ट्रिक क्या है भाई, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑल हैलाइड्स फ्लोरीन टू आयोडीन गेट्स डिस्चार्ज एट फर्स्ट देन एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन्स रिस्पेक्टिवली एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें अगर हमारे पास कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक कैटायन या डी ब्लॉक मेटल है, या फिर हमारे पास एनायन में हैलाइड्स है फ्लोरीन टू आयोडीन कोई भी अगर हमारे पास हैलाइड्स है तो वो जो है पहले डिस्चार्ज होंगे यानी कि कैथोड और एनोड पे, वही पहले जाएंगे इन कंपैरिजन टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस। आप इस स्टेटमेंट को अपने स्क्रीनशॉट लिख कर ले या फिर लिख ले, इसको हम एक्सप्लेन करते चलिए। ये सेंटेंस एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम जनरल बात करें तो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, या तो किसी सॉल्ट का कैटायन जैसे कि यहाँ पे ए प्लस लिया गया है, और उस सॉल्ट का एनायन जो कि यहाँ पे बी माइनस लिया गया है। हम क्या ले रहे हैं, या एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें ए प्लस कैटायन है बी माइनस एनायन है, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भाई उसमें वाटर भी होगा, वाटर होगा तो एच प्लस और ओ एच माइनस भी हो गई, तो ए प्लस बी माइनस एच प्लस एंड ओ एच माइनस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इफ ए प्लस बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट देन ए प्लस गेट रिड्यूस टू ए एंड एच प्लस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो उसमें क्या होगा कि ए प्लस अगर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट आप समझते हैं ना पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है स्कैंडियम से चालू होता है जो, ठीक है, तो उनकी बात करें कि अगर उनमें से कोई भी एक मेटल हो, मेटल क्या बनाएगा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन यानी कि ए प्लस हम उसे अगर माने तो वो बनाएगा कैटायन। अब हम जानते हैं अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो उसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है, कैथोड में रिडक्शन होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब रिडक्शन किसका होगा, देखिए हमारे पास ए प्लस है रिड्यूस होने के लिए और एच प्लस है रिड्यूस होने के लिए, ठीक है, कैटायंस रिड्यूस होंगे तो ए प्लस या तो रिड्यूस हो जाए या तो एच प्लस, तो कौन सा रिड्यूस होगा, अगर ए प्लस डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर ए प्लस डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वही जाके रिड्यूस होगा, एच प्लस नहीं होगा, एच प्लस कहाँ रह जाएगा सॉल्यूशन में ही यहीं पे रह जाएगा। लेकिन और साथ में अगर एनोड की अब बात करें, एनोड में क्या होगा ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा या तो बी माइनस का या तो ओ एच माइनस का, तो अगर बी माइनस जो है किसी हैलाइड को बिलोंग करता है यानी कि बी माइनस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ बी माइनस एंड ऑल हैलाइड्स, यानी कि अगर हैलाइड की बात करें, अगर बी माइनस यहाँ पे हमारे पास हैलाइड है तो बी माइनस और ओ एच माइनस से बी माइनस ही जाके एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और एच प्लस क्या रह जाएगा सॉल्यूशन में। आप फिर से पढ़िए, इफ दिस आयर आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इफ ए प्लस बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट देन ए प्लस गेट्स ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस टू ए एंड एच प्लस रिमेन इन द सॉल्यूशन, इफ ए प्लस डोंट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट देन एच प्लस इज रिड्यूस्ड टू एच टू गैस। आप आई होप कि आपको समझ आया होगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह सिमिलरली इफ बी माइनस इज ए हैलाइड, इफ बी माइनस इज ए हैलाइड देन बी माइनस गेट ऑक्सीडाइज टू बी टू गैस एंड ओ एच माइनस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास आप जानते हैं कि एच प्लस है ए प्लस है, एच प्लस और ए प्लस की हमने कहानी देख ली क्या कि अगर ए प्लस डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो जाके रिड्यूस होगा कैथोड पे और एच प्लस जो है सॉल्यूशन में रह जाएगा। उसी तरह अगर सी एल माइनस और बी माइनस की बात करें तो इनमें से कोई एक ही बी माइनस और ओ एच माइनस की अगर बात करें तो दोनों में से कोई एक ही एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हो सकता है, भाई दोनों को ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो बी माइनस और ओ एच माइनस में से कौन सा जाएगा, अगर बी माइनस एक हैलाइड है, बी माइनस अगर एक हैलाइड है देन बी माइनस गेट ऑक्सीडाइज टू बी टू गैस एंड ओ एच माइनस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, इफ बी माइनस इज नॉट ए हैलाइड देन ओ एच माइनस गेट ऑक्सीडाइज टू ओ टू गैस एंड बी माइनस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, B- अगर एक हैलाइड है तो वही जाके ऑक्सीडाइज होगा और OH- जो है सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमारे पास A+, H+, B- और OH- है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो अगर A+ और H+ में से कौन कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा वो कैसे पता चलेगा, अगर A+ D ब्लॉक एलिमेंट है तो A+ रिड्यूस होगा वरना H+ रिड्यूस हो जाएगा जाके, और अगर ओ एच माइनस और बी माइनस में से अगर बी माइनस हैलाइड है तो बी माइनस जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे वरना ओ एच माइनस जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हम कैसे बताएं, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि NaCl और वाटर को हम रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन H2 और NaOH बनता है, ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे पहले कैटायन का एनालिसिस करते हैं, कैटायन कौन से है Na+ और H+, Na+ डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या भाई, नहीं है, Na+ डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट होगा Na+ तो वो कैथोड पे रिड्यूस होगा वरना H+ जाके रिड्यूस हो जाएगा, तो H+ रिड्यूस होके क्या बनाएगा H2 गैस बनाएगा, तो देखिए H2 गैस यहाँ बन गया।
अब हम बात करें हैलाइट आयंस की, तो आयंस में हमने क्या बात किया था कि बी माइनस, यानी कि यहाँ पे सी एल माइनस है बी माइनस, ठीक है। तो अगर बी माइनस अगर हैलाइड है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया एनोड पे, वरना ओ एच माइनस जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे। तो देखिए बी माइनस यहाँ पे सी एल माइनस है, सी एल माइनस हैलाइड है कि नहीं है, है तो सी एल माइनस क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वरना ओ एच माइनस हो जाता। तो यहाँ पे सी एल माइनस हैलाइड है इसलिए सी एल माइनस ऑक्सीडाइज होकर सी एल टू बना लिया। और रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्या बचा रह गया, यहाँ पे एन ए प्लस बचा रह गया और यहाँ से ओ एच माइनस बचा रह गया, तो वो मिलकर बन गए एन ए ओ एच। अगर हम सी यू एस ओ फोर और एच टू ओ की अगर बात करें तो देखिए कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस यानी कि सी यू प्लस, अगर यहाँ पे सी यू टू प्लस यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो रिड्यूस होगा, तो सी यू टू प्लस रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, सी यू बना देगा, कॉपर बना देगा, ठीक है। अगर सी यू टू प्लस है सी यू प्लस भी बनता है तो सी यू प्लस जो है एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो वापस सी यू ही बना देगा। तो सी यू टू प्लस जो है क्या बन गया रिड्यूस होकर सी यू। क्यों सी यू टू प्लस रिड्यूस हुआ, एच प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सी यू टू प्लस जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट रिड्यूस हो गए कैथोड पे। और एस ओ फोर टू माइनस और ओ एच माइनस की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, बी माइनस अगर हैलाइड है तो वो ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, वरना नहीं होगा, वरना ओ एच माइनस जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एनायन क्या है, बी माइनस की जगह एस ओ फोर टू माइनस है, तो एस ओ फोर टू माइनस हैलाइड है क्या, नहीं है, तो एस ओ फोर टू माइनस हैलाइड नहीं है, तो इसमें ये जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बचा कौन ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा ओ टू और एच प्लस। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया, यहाँ से एच प्लस बचा रह गया और यहाँ से एस ओ फोर टू माइनस बचा रह गया, तो एच और एस ओ फोर टू माइनस क्या बनाएगा एच टू एस ओ फोर। अब बात करें के सी एल और एच टू ओ की, ये बिल्कुल एन ए सी एल और वाटर की तरह, आप देखिए खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं, के प्लस क्या है, कैटायन है, कैटायन क्या है डी ब्लॉक है कि नहीं है, ये नहीं है भाई, कैटायन ये डी ब्लॉक का नहीं है, के प्लस डी ब्लॉक का नहीं है, ये एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का है भाई ये, तो डी ब्लॉक का है नहीं, तो डी ब्लॉक का है नहीं तो कैथोड पे जाके ये रिडक्शन नहीं करेगा, कौन कर जाएगा एच प्लस अब कर जाएगा। देखिए हमारे पास कौन कौन कॉम्पिटिशन में थे, एच प्लस था और के प्लस था, हमने बात किया था कि अगर के प्लस डी ब्लॉक एलिमेंट है यानी ए प्लस हो चाहे के प्लस हो, वो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो जाके कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा, वरना एच प्लस होगा, ठीक है। तो हमारे पास के प्लस एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का तो है नहीं, इसलिए ये जाके रिड्यूस नहीं होगा, और सी एच प्लस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो एच प्लस क्या बना देगा एस टू। अब बात रही सी एल माइनस और ओ एच माइनस की, तो हमने बात किया था कि अगर सी एल माइनस यानी कि बी माइनस जो है यहाँ पे अगर हैलाइड है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया एनोड पे, वरना ओ एच माइनस हो जाएगा। तो देखिए बी माइनस यानी सी एल माइनस क्या हैलाइड है, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और बचा क्या रह गया, यहाँ से के बचा रह गया और यहाँ से ओ एच बचा रह गया, तो क्या बना दिया इन्होंने के ओ एच। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे के टू एस ओ फोर और एच टू ओ लिया गया, ठीक है। अगर कैटायन डी ब्लॉक है तो वो कैथोड पर रिड्यूस होगा, तो के प्लस क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, नहीं है भाई, के प्लस एस ब्लॉक एलिमेंट है, के प्लस क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, के डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, के प्लस पोटेशियम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो कैथोड पर रिडक्शन होने के लिए नहीं जा पाएगा, कौन जाएगा एच प्लस चला जाएगा, तो एच प्लस रिड्यूस होकर क्या बना देगा एच टू बना देगा। अब एनायन की बात करें तो एस ओ फोर टू माइनस और ओ एच माइनस, एस ओ फोर टू माइनस क्या है, एस ओ फोर टू माइनस हैलाइड है कि नहीं है, नहीं है, तो एस ओ फोर टू माइनस क्या होगा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि बी माइनस अगर हैलाइड होता तो वो एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन होता, वरना ओ एच माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी माइनस जो है एस ओ फोर टू माइनस है जो कि एक हैलाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओ एच माइनस जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पे ओ एच माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा ओ टू बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे के प्लस डी ब्लॉक नहीं था इसलिए उसने एच टू बना दिया, और यहाँ पे एस ओ फोर टू माइनस भी हैलाइड नहीं था इसलिए उसमें भी ओ एच माइनस का ही ऑक्सीडेशन हुआ, और हमारे पास के टू एस ओ फोर जो है एज़ यूजुअल वैसा का वैसा बचा रह गया, और सॉल्यूशन में हमारे पास सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी भी आप ले लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप थोड़ा सा रिवर्स कीजिए वीडियो को, बैक कीजिए और फिर से आप देखिए, अगर आप एक बार और फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको देखेंगे, थोड़ा सा ही बैक कीजिए, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, ये मेरी चैलेंज है। अब भाई बात करते थोड़े से एक्सेप्शंस की, हम जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी चीज़ प्योर नहीं होता है, इनफैक्ट सॉलिड स्टेट में भी हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं, तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं होता है भाई, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ ही जाते हैं, तो चलिए बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की, ये है वो स्पेशल केस। तो चलिए रीड कीजिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सी एल माइनस एंड एस ओ फोर टू माइनस एग्जिस्ट क्लोज टू डैट ऑफ ओ एच माइनस
ऑफ वाटर, यानी कि सी एल माइनस और एस ओ फोर टू माइनस का जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो लगभग ओ एच माइनस के लगभग लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। सो फॉर देयर डायल्यूट या कॉन्क सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस कैन प्रोड्यूस सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि इनके इलेक्ट्रोलाइसिस पे डाइल्यूट है या फिर कॉन्क है उस पर डिपेंड करके जो रिजल्ट्स है वो कुछ अलग आ सकते हैं। तो वो रिजल्ट्स क्या है चलिए देखते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम सी एल माइनस लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट है उसमें एन आई एन अगर सी एल माइनस है, तो अगर वो जो सॉल्ट हम डाइल्यूट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ओ एच माइनस ऑक्सीडाइज होगा, और अगर हम सॉल्ट को कॉन्क में लेके इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो सी एल माइनस ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह अगर हम एस ओ फोर टू माइनस को एज एन आयन ले रहे हैं और उसमें डाइल्यूट के साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो फिर से ओ एच माइनस ही होगा, लेकिन अगर कॉन्क के साथ कर रहे हैं तो एस ओ फोर टू माइनस ही ऑक्सीडाइज होगा, किसमें एस टू ओ टू ओ एच टू माइनस में। आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, देखिए डाइल्यूट मतलब कम और कॉन्क मतलब ज़्यादा। अब हमारे पास देखिए जो ज़्यादा होता है वो बॉस होता है और जो कम होता है वो बेचारा दुखी आत्मा होता है। तो देखिए यहाँ पे सी एल माइनस और ओ एच माइनस की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सी एल माइनस और ओ एच माइनस है, तो सी एल अगर डाइल्यूट है इसका मतलब सी एल माइनस कम है और ओ एच माइनस ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो पावरफुल ज़्यादा कौन है, ओ एच माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे ओ एच माइनस ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन अगर कॉन्क की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कौन है, सी एल माइनस ज़्यादा है, तो बॉस कौन है यहाँ पे, सी एल माइनस है, तो इसलिए सी एल माइनस ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह एस ओ फोर टू माइनस में अगर एस ओ फोर टू माइनस और ओ एच माइनस में अगर देखें, तो अगर यहाँ पे डाइल्यूट के केस में कौन ज़्यादा है, ओ एच माइनस ज़्यादा है, डाइल्यूट में ओ एच माइनस ज़्यादा है, तो बॉस कौन हो गया, ओ एच माइनस, इसलिए ओ एच माइनस ही रिड्यूस हुआ, ओ एच माइनस की मन मर्जी चली। और एस ओ फोर टू माइनस क्या होगा, ज़्यादा होगा किसमें, कॉन्क में, कॉन्क में एस ओ फोर टू माइनस ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे एस ओ फोर टू माइनस की मनमानी चलेगी और वही जाके वो वहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अभी जो मैंने आपको बताया इसकी ये छोटी सी समरी है, ये टेबल बड़ा ही आसान सा ये टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इस पेज का ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी स्पेशल केस के बेसिस पे नीट और जेई मेंस में वाइडली क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं इस स्पेशल केस के ऊपर ही सिंपली, समझे। तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा, और याद करने की तो अब ज़रूरत ही नहीं, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको खुद ही याद हो जाएगा बॉस बना बना के। आपको अगर नहीं भी याद हुआ अभी भी तो आप ज़रा सा बस रिवाइंड कीजिए, आपको ये इस टॉपिक पे आप रिवाइंड मारिए थोड़ा सा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, इनफैक्ट समझ ही नहीं याद ही हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट, दीज आर जस्ट वैलिड फॉर जेई मेंस एंड नीट ओनली। अगर हम बात करें एडवांस के और जेई मेंस के थोड़े से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के, तो उस केस में इनसे भी थोड़ा सा आगे कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ स्पेशल रिएक्शंस है जिनके बेसिस पे पूछे जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगले लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं पूरे चैप्टर के ऊपर, थॉरली क्वेश्चंस करेंगे, जितने हो सकते क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे, फिर आगे जो हमारे डिस्कशंस होंगे वो जेईई मेंस के थोड़े से टफर लेवल के क्वेश्चंस और एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे हमारे टॉपिक्स पे। कौन से टॉपिक्स, ये जो स्पेशल टॉपिक्स अलग से जो टॉपिक्स है एक्सक्लूसिव फॉर जेईई एडवांस, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल। अगर आपको अभी भी दोबारा लेक्चर रिवाइंड करके देखने के बाद भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में चाहे तो पूछ सकते हैं आराम से, या चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर भी हमसे ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, सब कुछ फ्री है।